हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गार्लिक लच्छा पराठा, जिसे कि मैंने यहाँ पे आटे के इस्तेमाल से बनाया है। इसमें हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है और आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लच्छे बने हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, इसके साथ अंत तक बने रहिए और आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा और उसमें हम मिलाएंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च और साथ में हम इसमें मिला देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब यहाँ पे मैंने 1 आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, ये उबला हुआ आलू है। और साथ में हमने इसमें छोटे छोटे बहुत ही बारीक टुकड़े लहसुन के काटे हैं, ये 1 टेबलस्पून के करीब हैं। और साथ ही हमने इसमें 1 हरी मिर्च बारीक काट ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम इस आटे में डाल देंगे। तो इस पराठे में हम नया ये चीज़ कर रहे हैं कि हम इसमें उबला हुआ आलू डाल रहे हैं, जिससे इस पराठे का टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रेगुलर पराठे से थोड़ा अलग पराठा बनेगा और आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। अब हम एक सॉफ्ट डो इससे नीड कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट स्मूथ आटा बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पहले मिक्स कर लें और फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालें। तो हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जितना कि हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे टोटल हमें 1/4 कप पानी मैंने इस्तेमाल किया है आटे को गूंदने के लिए। तो यहाँ पे आटा गूंद कर तैयार हो चुका है, तो इसे हम ढक कर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, बाकी का सारा पानी इसमें बच गया है। तो अब हम इस डो को रेस्ट करने देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि डो हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब हम इसमें मीडियम साइज़ के पोर्शंस लेंगे और इसके बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा सा घी या तेल लगाकर इसे अच्छे से एक बार नीट करके फिर से चिकना कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लें आटे को। ऐसा करने से पराठा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनकर तैयार होता है। तो ये हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हम जो रेगुलर रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा हमें पोर्शन लेना है, यानी कि थोड़ी मोटी लोई लेनी है। हमें पराठा ज़्यादा थिक या फिर ज़्यादा थिन नहीं बनाना है। तो चलिए अब हम इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से छींट लिया है, डस्ट कर लिया है और अब हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे बिल्कुल थिन रोल करना है। आप देख सकते हैं आप इसे जितना थिन रोल करेंगे हमारी लेयर्स उतनी ही उभर कर आएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसे बहुत ही पतला बेल कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से घी लगाएंगे इस पर। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑयल का इस्तेमाल ना करें, आप घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पराठा हम वंस इन अ वाइल बनाकर खाएंगे, हम रोज़ तो खाने नहीं वाले, तो इतना घी चल सकता है कभी कभार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जेनरस अमाउंट घी का लगाएंगे ताकि ये पराठा बहुत ही फ्लेकी बनकर निकल कर आएगा और इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से बाहर निकल कर आएंगी। तो आप इसमें घी का ही इस्तेमाल करें। तो हर तरफ आप देख सकते हैं पूरे पराठे पर मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। अब हम इसे बहुत बारीक पतला पतला काटेंगे। आप देखिए मैं इसे कैसे काट रही हूँ, बिल्कुल थिन काटना है। आप जितना थिन इसको काटोगे धागे के जैसे, उतने ही अच्छे आपके लच्छे निकल कर आएंगे। तो इस पराठे को आप देखिए मैं इस तरीके से रोल कर रही हूँ एक नाइफ की मदद से। तो इस तरीके से आप रोल कर लें इसे। तो ये पराठा हमारा अच्छे से रोल हो चुका है। तो अब हम इस पे भी थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और घी इस पर लगा दिया है और अब हम इसे कुछ इस तरीके से रोल करेंगे। हमें ये सारा काम बहुत ही जेंटली करना है दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। तो ये देखिए
इस तरीके से इसे रोल करके तैयार कर लें। और अब हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हल्के हाथ से हम बेलना शुरू करेंगे। तो ध्यान रहे, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, प्रेशर लगाने से इसकी जो लच्छे हैं वो बाहर निकल कर नहीं आएंगे। तो बहुत हल्के हाथ से इसे रोल करना है और पराठा हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, क्योंकि ये पराठे ज़्यादा मोटे होते हैं तभी खाने में अच्छा लगते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार आप बीच बीच में सूखा आटा इस तरीके से अप्लाई करते जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पराठा मैंने बेलकर तैयार कर लिया है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। तो आप साइड्स को इस तरीके से एडजस्ट कर लें। तो ये हमारा पराठा बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे धीमी आंच पर हमें एक तरफ से अच्छे से कुक कर लेना है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, मतलब ये एक तरफ से सिक चुका है। तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे और इसे उस तरफ से भी, अगली तरफ से अच्छे से सिक जाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और इसे पलट देंगे। और अब हम इस तरीके से एक करछी लेकर इसे अच्छे से हल्के हाथ से प्रेशर डालते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप इस तरीके की करछी का इस्तेमाल करते हो तो आपका रेगुलर पराठा भी बहुत ही खस्ता और करारा बनकर तैयार होगा। तो हम अब इस तरफ भी अच्छे से घी अप्लाई कर देंगे और मीडियम आंच पर इस पराठे को अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो इसे हम पलट पलट के हर तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं हल्का सा प्रेशर डालकर। तो आप देख सकते हैं लेयर्स अभी से कितनी निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर्स, आप देखिए कितना फ्लेकी बनकर तैयार हुआ है हमारा पराठा, कितने लच्छे बने हैं इसके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस पराठे को आप थोड़े से बटर के साथ सर्व कीजिए गर्मा गर्म, आप इसे अचार के साथ या दही के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर वैसे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे मसाले डाले हैं। तो हमारा ये पराठा बनकर तैयार है, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।